पिछले 10 सालों में हमने दुनिया भर में हो रहे कई सारे वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और बैटल्स के बारे में पढ़ा और जाना है, और ऐसे कई सारे वॉर्स में ह्यूमन राइट्स वायलेशन और वॉर क्राइम्स जैसे टर्म का इस्तेमाल होता रहा है। लीबियन क्राइसिस, सीरियन क्राइसिस, यमन क्राइसिस, पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट और अर्मीनिया अज़रबैजान वॉर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, और इनमें इन्वॉल्व कंट्रीज़ ने एक दूसरे पर वॉर क्राइम्स कमिट करने के आरोप भी लगाए हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है अर्मीनिया और अज़रबैजान का, जो 2020 में हुए नगोर्नो काराबाख वॉर में इन्वॉल्व थे, और इन दोनों ने क्लस्टर म्यूनिशंस नाम के वेपन्स का इस्तेमाल किया जो दुनिया भर के देशों ने बैन कर रखा है। नतीजन कई सारी सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आई तो दोनों देश एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वॉर क्राइम के बारे में और जानेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसका इंटरनेशनल लॉ में इस्तेमाल किस तरह से होता है। हम ये भी जानेंगे कि वॉर क्राइम के कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री क्या है और इंटरनेशनल लॉ में किस तरह से इवॉल्व हुआ। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हियर इज द लिंक, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। इंटरनेशनल लॉ में कई सारी प्रोविजंस और रूल्स हैं जो वॉर में इन्वॉल्व स्टेट्स और बाकी के पार्टीज को ये बताते हैं कि वॉर के वक्त क्या परमिटेड है और क्या नहीं। इन लॉज को लॉज ऑफ वॉर भी बोला जाता है। वॉर क्राइम्स के साथ डील करने वाले इंटरनेशनल लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट है जिनेवा कन्वेंशंस, जिसमें टोटल 4 कन्वेंशंस और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स शामिल हैं। 4th जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 147 में वॉर क्राइम्स को क्लियरली डिफाइन किया गया है, जिसके हिसाब से आगे बताए जाने वाले सारे एक्ट्स वॉर क्राइम्स में इंक्लूडेड हैं, जैसे कि कोई भी वो एक्ट जिसमें वॉर के लॉज और कस्टम्स का वायलेशंस हो, किसी भी इंसान और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऐसी एट्रोसिटी जो लॉज के अंडर इलीगल हो, किसी भी ऐसे पर्सन का अनलॉफुल कन्फाइनमेंट जो इन लॉज में प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में आते हैं, किसी भी ऑक्यूपाइड टेरिटरी में सिविलियन पॉपुलेशन का मर्डर, इल ट्रीटमेंट या फिर उनको डिपोर्ट करना फॉर स्लेवरी, प्रिजन्स ऑफ वॉर या पर्सन्स ऑन सीज का मर्डर या इल ट्रीटमेंट, हॉस्टेजेस या बंदी बनाए गए लोगों की बिना ड्यू प्रोसीजर के हैंगिंग या किलिंग, टॉर्चर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट और लोगों पर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, किसी भी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी में लूटपाट, ऐसा कोई भी डिस्ट्रक्शन जो मिलिट्री नेसेसिटी नहीं है, और सिटीज, टाउन्स और विलेजेस का अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा रोम स्टैचू, जिसके अंडर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC को क्रिएट किया गया, उसके आर्टिकल 7 में कुछ एक्ट्स क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में आते हैं, जैसे किसी भी सिविलियन पॉपुलेशन के खिलाफ एट्रोसिटीज, चाहे वॉर के पहले हो या वॉर के बाद। इसमें मर्डर, रेप, जेनोसाइड, स्लेवरी जैसे एक्ट्स इंक्लूडेड हैं। इसमें पॉलिटिकल, रेशियल और रिलीजियस ग्राउंड्स में हो रहे इंस्टीट्यूशनल प्रोसिक्यूशंस भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा वॉर क्राइम्स को डिसाइड करने के लिए डिस्टिंक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी और प्रिकॉशन नाम के 3 प्रिंसिपल्स काफ़ी एसेंशियल हैं। अगर इनमें से कोई भी प्रिंसिपल वायलेट किया जाता है तो ज्यूरिस्ट ये मानते हैं कि वॉर क्राइम हुआ है। अगर मैं इनको ब्रीफ में बताऊं तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उन मिलिट्री प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स को इलीगल बताता है जिसका आउटकम या रिजल्ट सिविल कैजुअलिटी के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो। फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई भी ऑपरेशन जिसमें एक एनिमी को मारने के लिए 500 सिविलियंस को मारना पड़े। प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन, इसके हिसाब से वॉर करने वाली पार्टीज़ को हमेशा कॉम्बिटेंट्स और सिविलियंस के बीच अंतर को क्लियरली समझ कर ही मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च करने चाहिए, और किसी भी प्रकार का डायरेक्ट और इंटरनेशनल अटैक ऑन सिविलियंस एक वॉर क्राइम है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात नोट करने वाली है कि कई सारे क्रिटिक्स ये क्लेम करते हैं कि इस प्रिंसिपल का मिसयूज़ कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, जो खुद को सिविलियंस के बीच छुपा लेते हैं और मिलिट्री ऑपरेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमास का है, जो अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को हाईली पॉपुलेटेड और डेंस सिविलियन लोकेशन में लोकेट करके रखता है। इसके अलावा सिविलियन और कॉम्बेटेंट्स में डिस्टिंक्शन इस वजह से भी टफ हो जाता है क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर आज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है और उसमें सिविलियंस के इनडायरेक्ट रोल्स होने के चांसेस भी होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन, इसके हिसाब से बैटल में इन्वॉल्व पार्टीज को हमेशा एक्टिव एफर्ट्स लेने चाहिए ताकि सिविलियन कैजुअलिटी कम से कम हो। वैसे तो वॉर के टाइम क्या परमिटेड है और क्या नहीं, इसके रूल्स और कस्टम्स सदियों से एग्जिस्टेंस में रहे हैं। इंडियन एपिक महाभारत में भी हमें कुछ ऐसे रूल्स देखने को मिलते हैं जो वॉर के समय में क्या एथिकल है और क्या अनएथिकल, इसको डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, सनसेट के बाद बैटल्स ख़त्म कर देना या घायल एनिमी के ऊपर अटैक ना करना। लेकिन दोस्तों, जो इंटरनेशनल लॉज ऑफ वॉर आज एग्जिस्ट करते हैं
उनका एस्टैब्लिशमेंट 19th सेंचुरी के अंत में स्टार्ट हुआ और ये प्रोसेस आज भी जारी है। वॉर क्राइम्स को डिफाइन करना काफ़ी टफ है क्योंकि लॉज एंड रेगुलेशंस की लैंग्वेज हमेशा से कॉम्प्लेक्स रही है, लेकिन इनको डिफाइन करने का फर्स्ट अटेम्प्ट शायद यूएसए में लिंकन गवर्नमेंट के अंडर हुआ। अब्राहम लिंकन ने 1863 में अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम एक सेट ऑफ कोड्स क्रिएट किया जिन्हें लाइबर कोड के नाम से जाना जाता है। ये कोड्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे जो यूएसए ने अपनी मिलिट्री ऑफिशियल्स को इशू किए ताकि किसी भी प्रकार का इनह्यूमन ट्रीटमेंट सिविलियंस और वाउंडेड कॉम्बेटेंट्स के साथ ना हो। फॉर एग्जाम्पल, लाइबर कोड में राइवल फोर्सेस के लोगों को विक्टोरियस गवर्नमेंट द्वारा किसी भी प्रकार के फोर्सफुल लेबर या सर्विस में पुश करना इलीगल था। इसके अलावा इसने अननेसेसरी वायलेंस अगेंस्ट राइवल सिविलियंस को भी बैन कर दिया था। इसके अलावा 1859 में हुई एक घटना ने भी इन लॉस के क्रिएशन में मदद की। कहते हैं कि यूरोप में बैटल ऑफ सॉल्फेरिनो में घायल सैनिकों की हालत स्विस बिजनेसमैन और सोशल एक्टिविस्ट हेनरी डुनांट ने देखी तो वो काफ़ी आहत हुए और उन्होंने इस पूरे हॉरर को अपनी किताब अ मेमोरी ऑफ सॉल्फेरिनो में बताया। उन्होंने इस किताब की कॉपीज दुनिया भर के इन्फ्लुएंशियल लीडर्स के पास भेजने का काम भी किया। इस इंसिडेंट से ही इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने 1863 में फेमस रेड क्रॉस सोसाइटी को क्रिएट किया जो एक जेनेवा बेस्ड ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी है। इसका ऑफिशियल नाम इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC है, जिसे 3 बार ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स के लिए नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि हेनरी डुनांट को भी 1901 में नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है उनकी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स और जेनेवा कन्वेंशंस को इनिशिएट करने के लिए। ये वही जेनेवा कन्वेंशंस हैं जो वॉर क्राइम्स को डिफाइन करते हैं। खैर, डुनांट की किताब और लाइबर कोड से इन्फ्लुएंस होकर 1864 में स्विस गवर्नमेंट ने सारे यूरोपियन गवर्नमेंट्स और यूएसए, ब्राज़ील और मेक्सिको को एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया। 22 अगस्त 1864 को इस कॉन्फ्रेंस ने फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन फॉर वाउंडेड इन आर्मीज इन द फील्ड को अडॉप्ट किया जिसे 12 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइन किया। लेकिन इस कन्वेंशन में मैरीटाइम वॉरफेयर नहीं था जिसे 1899 और 1907 के दो हेग कन्वेंशंस में इंक्लूड किया गया। इसके बाद 1906 और 1929 में ऐसे दो और कॉन्फ्रेंसेज हुए जिनमें 1864 के कन्वेंशन को रिवाइज किया गया। 1929 में ही इन कन्वेंशन को एक्सपैंड करके प्रिजनर्स ऑफ वॉर को भी इंक्लूड किया गया। ये वर्ल्ड वॉर वन में हुए वॉर क्राइम्स का नतीजा था जिसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये कन्वेंशन वर्ल्ड वॉर टू में हुई कई सारी एट्रॉसिटीज़ को रोक नहीं पाए। वर्ल्ड वॉर टू में हुई एट्रॉसिटीज़ में जस्टिस इंश्योर करने के लिए दो मेजर ट्रायल्स हुए जिनको हम न्यूरमबर्ग और टोक्यो ट्रायल्स बोलते हैं। न्यूरमबर्ग जर्मनी में नाजी लीडर्स और टोक्यो में जापान लीडर्स का ट्रायल हुआ जो वॉर क्राइम्स में एक्यूज थे। इन ट्रायल का इम्पैक्ट ये हुआ कि 1949 में फोर्थ जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर फाइनली 4 मेजर कन्वेंशंस अडॉप्ट किए गए जहां पे कुछ नए और कुछ पुराने कन्वेंशंस के अपग्रेडेड वर्जन थे। इसके अलावा इनमें 1977 और 2005 में 2 एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी ऐड किए गए। ये कन्वेंशंस आर्म्ड फोर्सेस के वाउंडेड मेंबर्स, प्रिजनर्स ऑफ वॉर और सिविलियंस का वॉर के समय ट्रीटमेंट कैसे हो, इन बातों के साथ डील करते हैं। लेकिन दोस्तों, वॉर में कौन से वेपन्स यूज हो सकते हैं और कौन से नहीं, इनके बारे में 1899 और 1907 का हेग कन्वेंशन और 1925 में ऐड किया गया बायोकेमिकल वॉरफेयर प्रोटोकॉल बात करते हैं। इनको सप्लीमेंट करने के लिए ही फेमस बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972 और केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1993 बाद में एग्जिस्टेंस में आए। खैर, 1949 के जेनेवा कन्वेंशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि पहले के कंपैरिजन में इस कन्वेंशन को 196 कंट्रीज ने साइन किया था। वॉर क्रिमिनल्स को पनिश करने का सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुआ जब विक्टोरियस एलाइड पावर्स ने जर्मनी को 900 से ज्यादा सस्पेक्टेड वॉर क्रिमिनल्स की लिस्ट दी और उन्हें प्रोसिक्यूट करने को कहा। वैसे एलाइड पावर्स का मेन टारगेट जर्मन एम्परर कैसर विल्हेल्म II था, लेकिन वो इस प्रोसिक्यूशन से बच निकला और नीदरलैंड्स में रेफ्यूजी बन गया। हम आपको बता दें कि वर्ल्ड वॉर वन के एंड तक हेड ऑफ स्टेट्स को वॉर क्राइम्स जैसे एक्ट्स में इम्यूनिटी मिली हुई थी। इसके अलावा इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कई और मेजर सस्पेक्टेड वॉर क्रिमिनल्स लैक ऑफ एविडेंस और लॉज में लूपहोल्स की वजह से बच गए। कन्विक्शन सिर्फ कुछ छोटे ऑफिशियल्स का ही हुआ। यही कारण है कि वर्ल्ड वॉर वन तक वॉर ऑफ लॉज इतना पावरफुल नहीं था और इसमें बदलाव की जरूरत थी। जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से ऐसे क्राइम्स पर ज्यूरिसडिक्शन उन स्टेट्स का है जो उसके सिग्नेटरीज हैं, यानी कि 196 स्टेट्स। लेकिन 1990s के बाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स भी जेनेवा कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। इसमें यूगोस्लावियन क्राइसिस में हुए वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड्स के लिए यूगोस्लावियन ट्रिब्यूनल और रवांडन जेनोसाइड्स के लिए बनाए गए रवांडन ट्रिब्यूनल इंक्लूडेड है। इसके बाद 2002 में रोम स्टैचू के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC का जन्म होता है
जो उन इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करने वाला था जिन्होंने वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट किए थे। आईसीसी ने कई सारे फेमस केसेस ऑफ वॉर क्राइम्स की हियरिंग्स भी कंडक्ट करी है, जैसे जीन पियरे बेम्बा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मास रेप कमिट करने के लिए एक्यूज किया गया। बॉस्को तगांदा केस, आईसीसी ने यह पाया कि कॉन्गोलीज आर्म्ड ग्रुप्स के मेंबर सेक्सुअल क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। लेकिन दोस्तों, भले ही जिनेवा कन्वेंशन का रेटिफिकेशन ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज ने किया है, लेकिन इन रियलिटी वॉर क्राइम्स में कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है। ज्यूरिस्ट और प्रोफेसर मार्क ड्रम्बल कहते हैं कि इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे एविडेंस कलेक्शन में डिफ़िकल्टी, इंटेंशन प्रूव कर पाने में डिफ़िकल्टी, क्योंकि इंटेंशन काफ़ी सब्जेक्टिव टर्म है, कॉम्बैट्स में इन्वॉल्व पावर पॉलिटिक्स जिसमें कई सारे मेजर पावर्स का इन्वॉल्वमेंट पूरे जुडिशियल प्रोसेस के लिए ही प्रॉब्लम बन जाता है। आईसीसी मेंबर स्टेट्स में हुए वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड के केसेस के साथ डील करता है, या फिर उन केसेस के साथ भी जो उनके पास यूएनएससी रिफर करता है। कोर्ट की टॉप प्रोसिक्यूटर फातू बेंसुदा ने कई न्यूज़पेपर्स को बताया है कि उनकी टीम इसराइल और फलस्तीन पर भी नज़र बनाए हुए है, और अगर ये इशू ओपन इंक्वायरी के लिए फिट बैठेगा तो वो भी किया जाएगा। बेंसुदा के ऑफिस ने ऑलरेडी इसराइल के अगेंस्ट 2014 में हुए गाजा कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक इंक्वायरी चालू कर दी है। ये इन्वेस्टिगेशन फलस्तीनियन अथॉरिटी के रिक्वेस्ट पर बेस्ड है। हालांकि इसराइल आईसीसी का मेंबर ही नहीं है और इसने आईसीसी की ज्यूरिसडिक्शन को लगातार रिजेक्ट किया है। इसके अलावा यूएसए भी इसका मेंबर नहीं है और उसने भी आईसीसी की ज्यूरिसडिक्शन को क्वेश्चन करते हुए इस मूव को क्रिटिसाइज किया है। ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंदर बेंसुदा और बाकी के आईसीसी ऑफिशियल्स पर यूएसए ने कई तरह के सैंक्शंस लगाने का काम भी किया था, लेकिन बाइडेन गवर्नमेंट ने ये सैंक्शंस लिफ्ट कर दिए। दोस्तों, ये एक एग्जांपल है कि कैसे पावर पॉलिटिक्स इंटरनेशनल लॉस को इंप्लीमेंट होने से रोकती है। इसके अलावा कई सारे अफ्रीकन लीडर्स ने आईसीसी को क्रिटिसाइज करते हुए ये भी कहा है कि आईसीसी सिर्फ अफ्रीका पर ही फोकस करती है और वो पावरफुल गवर्नमेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने में नाकामयाब रही है। ये बात सच है कि ग्राउंड रियलिटी में वॉर क्राइम्स को रोकना और उनके एक्यूज को पनिश करना काफ़ी टफ है, लेकिन हिस्ट्री में कई सारे सक्सेसफुल ट्रायल्स भी हुए हैं जिनमें कुछ तो कई सारे देशों के हेड ऑफ स्टेट्स भी थे। आइए इनमें से कुछ मेजर सक्सेसफुल ट्रायल्स के बारे में जानते हैं। हर्बर्ट ह्यूबनर, जर्मन एसएस का लीडर जिसने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान पोलैंड से कई सारे लोगों को इलीगली डिपोर्ट किया। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में इसे 15 साल की जेल हुई। एडॉल्फ ईचमैन, नाजी वॉर क्राइम्स के लिए जेरूसलम ट्रायल्स में डेथ पेनाल्टी की सजा मिली। सदाम हुसैन, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इराक, डुजैल मास्केर के लिए 2006 में हैंगिंग। रादोवन काराजिच, बोस्नियन सर्ब पॉलिटिशियन जो रिपब्लिक ऑफ सर्बस्का का प्रेसिडेंट था, इसे मल्टीपल वॉर क्राइम्स के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया। मिलान मार्टिक, क्रोएशियन सर्ब्स का प्रेसिडेंट ड्यूरिंग क्रोएशियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 35 ईयर्स की सजा मिली इसे। रैडको म्लादिक और ड्रागोमिर मिलोसेविक, इनको यूगोस्लाव वॉर्स में सर्बियन मास्केर के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला। दोस्तों, वॉर क्राइम्स और वॉर क्रिमिनल्स को सजा दिलाने में दुनिया का रिकॉर्ड काफी मिक्स्ड रहा है। कई सारे क्रिटिक्स ये क्लेम करते हैं कि जो वॉर क्राइम्स उन देशों में होते हैं जो या तो वॉर में हार जाते हैं या फिर इन जनरल कमज़ोर होते हैं, तब तो हमें कई सारे सक्सेसफुल केसेस के एग्जांपल्स मिलते हैं, लेकिन जब बात आती है दुनिया के पावरफुल देशों की तो इंटरनेशनल कम्युनिटी लार्जली इसमें फेल होते हुए दिखती है। पावर पॉलिटिक्स की वजह से कई सारे वॉर क्राइम्स के एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया जाता। हमने पिछले कई सालों में ऐसे किस्से सुने हैं जहां शायद क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या वॉर क्राइम्स होने की खबरें आई हैं, लेकिन उनमें से मेजर इश्यूज अनइन्वेस्टिगेटेड रह गए। ये इश्यूज चाहे इसराइल पैलेस्तीन रिलेटेड हो, आर्मेनिया अजरबैजान रिलेटेड हो, या फिर चाइना और यूएसए से रिलेटेड हो, किसी भी मुद्दे में हमें कोई भी कंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन देखने को नहीं मिली। इसके अलावा दुनिया भर के रेबल और टेररिस्ट ग्रुप भी ऐसे वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन पावरफुल कंट्रीज़ के सपोर्ट की वजह से वो इन ट्रायल से बचते रहे हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो को इस उम्मीद में ख़त्म करते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स आने वाले समय में इस मुद्दे को ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि इस दुनिया में एक रूल बेस्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश किया जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।